स्वर्गीय रामजी मौर्य राहुल के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी नेता अभिषेक मौर्य सोनू विधानसभा 186 अमेठी की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी के थाना अमेठी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंश यादव उर्फ छोटू हनुमंत को रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचे के साथ एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। अमेठी में एसओजी टीम और कमरौली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को सिंदुरवा रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से एक तमंचे के साथ दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में बैधिकपुर की छात्रा लक्ष्मी की ट्रक के टक्कर से हुई मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजन बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं परिजनों को समझाने के लिए एसडीएम महात्मा सिंह समेत अन्य अधिकारी उनके घर पहुंचे, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। अमेठी में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जरौटा गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार सवार रीना सिंह समेत मिथिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को अमेठी सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। अयोध्या के पूरा कलंदर में चांदपुर हरवंश गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने चाचा और उनके बेटों पर पैतृक मकान को हड़पने का आरोप लगाया है। इसी क्रम में महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और उन्हें शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बहराइच में थाना रिसिया क्षेत्र के सुदेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आसाम रोड पर हुए हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन 5ों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाराबंकी में टिकैत नगर थाना क्षेत्र के परसावल मांझा गांव में रहने वाले मुन्नालाल यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में नामजद चचेरे भाई जंग बहादुर को गिरफ्तार करके अलकत्ल लाठी भी बरामद कर ली है। बलरामपुर में थाना कोतवाली देहात के देवरिया गांव में कुछ दबंगों का एक परिवार के घर में घुसकर महिलाओं समेत अन्य लोगों को लाठी डंडों से पीटने वाला वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। जालौन में कालपी कोतवाली क्षेत्र के आमपुर मोहल्ले में मौजूद चक्की पर पट्टे में हाथ फंसने की वजह से एक युवक का हाथ धड़ से अलग हो गया। आनन-फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।